निकाय चुनाव बड़ी मशक्कत के साथ लड़े प्रत्याशियों ने। जब जो प्रत्याशी जीता तो ये समझे कि हल्दीघाटी का युद्ध जीत लिया हो। अब इंतजार था तो बस ताजपोशी का, फिर क्या था। सब 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बस एक एक दिन गिन रहे थे। आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। दरअसल आज पंचायत भवन मुरादाबाद में मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन था। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा। दिन की वजह से पूरा आयोजन गरिमामयी प्रतीत हो रहा था। सबसे पहले सारे पार्षदों ने पंचायत भवन में एंट्री की। इसके बाद मेयर विनोद अग्रवाल पंचायत भवन पहुंचे। सब लोग विनोद अग्रवाल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद सबको प्रतीक्षा थी तो बस डॉक्टर दिनेश शर्मा की। स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों से। सम्मान में अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। हम सभी लोग अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे और धुन के साथ साथ सस्वर भी हैं। मुरादाबाद का महापौर निर्वाचित हो सच्चे निष्ठा से ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विनोद अग्रवाल भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने जा पा रहा हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा। धन्यवाद। विनोद अग्रवाल समेत पार्षदों ने पूरे उत्साह के साथ शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जैसे ही डॉक्टर दिनेश शर्मा प्रोग्राम में पहुंचे तो सारे लोग भाजपाई नारे लगाते दिखाई दिए। डॉक्टर दिनेश शर्मा का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। सम्मान में अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। हम सभी लोग अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। सिंह बेस जी, एक बुके के माध्यम से आपका स्वागत और अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन मैं निवेदन करूंगा मंडलायुक्त महोदय से कि एक बुके। आदरणीय शिवनाथ यादव जी, जसवंत जी और सूर्य प्रकाश पाल जी से मैं निवेदन कि एक बुके के माध्यम से भी आपका स्वागत। मुरादाबाद का महापौर निर्वाचित हो सच्चे निष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विनोद अग्रवाल भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने जा पा रहा हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा। धन्यवाद। विनोद अग्रवाल ने भी शपथ ग्रहण करने के बाद मंच से लोगों को भाजपा की कार्यशैली के बारे में बताया। मैं इस कड़ी में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी मंच से सभी लोगों को बताया कि भाजपा विकास का दूसरा नाम है। साथ ही उन्होंने विनोद अग्रवाल की तरफ इशारा करते हुए बताया मेयर 5 साल में मुरादाबाद का वो विकास करेंगे जो हमने सोचा भी नहीं होगा। शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं और शपथ ग्रहण समारोह एक तरीके से हमें भविष्य में कार्य करने की भविष्य में काम करने की प्रेरणा देते।
आज मुरादाबाद में आप सबके समक्ष यहाँ के महापौर और यहाँ के पार्षदों ने शपथ ली है। स्थानीय सरकार, जिसको हम स्थानीय निकाय, नगर निगम या नगर पंचायत या नगर पालिका बोलते हैं, ये राजनीति की नर्सरी होती है और नर्सरी जितना अधिक सींची जाती है उतना ही अच्छी फसल भी होती है, उतना ही अच्छा पेड़ भी निकलता है। राजनीति की इस नर्सरी में हम कितना काम ज्यादा कर सकते हैं, इसका अवसर लोकतंत्र में जनता हमें देती है। मैं 11 वर्षों तक महापौर रहा हूं और यह मेरा सौभाग्य रहा कि जब हम लोग अलग अलग दलों से चुनाव लड़कर आते थे तो जब सदन में बैठते थे तो दलों की सीमाओं को छोड़कर हम लोग एक विकास दल के रूप में काम करते थे। ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, ये भाजपा, इनके बजाय एक दल होता था जिसको हम विकास दल बोलते थे और विकास के नाम पर सारे दलों की आपस की सहमति बन सके, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी महापौर की होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि विनोद अग्रवाल जी को चौथी बार ये अनुभव मिल रहा है। दो बार इनकी धर्मपत्नी आदरणी हमारी श्रीमती विनोद अग्रवाल जी, बीना अग्रवाल जी जीत कर आई और अब दूसरी बार विनोद जी जीते। आज समय बदल रहा है, सरकार की प्राथमिकताएं बदली हैं। हम चाहते हैं कि निचले स्तर पर ये नाली, खड़ंजा, सीवर, पेयजल की आपूर्ति, गृह कर का सरलीकरण, जलकल का सरलीकरण, ऑनलाइन सर्विसेज को प्रारंभ करना, मॉडर्न कंट्रोल रूम हो, घर बैठे उपभोक्ता अपनी शिकायत को दर्ज कराए और दर्ज कराने वाले जो अधिकारी हो उसके पास वो शिकायत पहुंचे, और सिटीजन चार्टर लागू हो जिसमें समय से कौन सा काम, मानो बिजली का बल्ब लगना है, एलईडी लाइट लगनी है तो बहुत से बहुत एक दिन का समय होना चाहिए, कहीं से कूड़ा उठना है तो एक दिन का समय होना चाहिए, यानी सिटीजन चार्टर नगर निगम में लागू हो। और ओडीएफ सिस्टम से हम खुले में शौच से मुक्त हमारा मुरादाबाद बने, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की ये सरकार की ये आकांक्षा है कि जो हमने स्मार्ट सिटी और अमृत योजना दी है, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम पुराना जो शहर है उसका जीर्णोद्धार और नए से नए शहर का एक कॉन्सेप्ट लेकर चले, और नए जो नया हमारा कॉन्सेप्ट है जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भविष्य में होगा उसमें एक ही जगह कॉमर्शियल एक्टिविटीज, आवासीय व्यवस्था, स्कूल, वहां कन्वेंशन सेंटर, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बनाकर हम एक नए शहर के नियोजित की भी कल्पना करते हैं। और मुझे खुशी है कि केंद्र में, प्रदेश में और स्थानीय सरकारों का आपसी सामंजस्य बेहतर बन सकेगा, चाहे वो दलीय एक रूपता हो, चाहे कार्यक्रमों की एक रूपता हो। हम एक चीज हमेशा लाना चाहते हैं कि सदन हमारे चलने चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ लोग जोर जोर से जहां बोलते हैं, बोलना हमारा सबका अधिकार है, लेकिन उसमें जो पार्षद के क्षेत्र में काम कराना चाहते हैं उनकी आवाजें दब जाती है और शोरगुल में जो सदन है वो स्थगित हो जाता है और जो आपके काम जिससे जनता के प्रति आप जवाबदेह कराना चाहते हो काम नहीं हो पाते। मेरा यह मानना है कि मुझे अनुभव रहा है सदन का, सदन हमारा रात को सुबह से चला 10 बजे तो रात को 9-9 बजे तक आपसी अपनत्व का भाव दे। नगर निगम हमारा परिवार है, परिवार की तरह चले, इस परिवार में मतभेदताएं हो सकती है, अपने वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श और परामर्श के बाद अपना अंतिम निर्णय लेना। मैं सारे पार्षदों को भी एक बात कहूंगा, आप जीत कर आए हो, आज आप पार्षद हो, कल हो सकता है आप विधायक बनो, परसों सांसद बनो, मंत्री बनो या कुछ और बनो, लेकिन एक चीज याद रखना कि पब्लिक जो है ना वो हमारे पास में आती है। 3 कारणों से पब्लिक हमारे पास में आती है। एक तो वो होते हैं जो अगर आपके उनका लगता है कि हमारा नेता है, हमारा विधायक, हमारा पार्षद है नहीं गया, तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बनेगा, हमारा बीपीएल नहीं बनेगा,
उस क्षेत्र का दरोगा जो है मेरी बात नहीं सुनेगा, मुझसे परेशान करेगा, यानी आपके प्रभाव में आते हैं। दूसरा जो होता है अभाव में आते हैं, अगर नहीं गए तो मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र के लिए मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दूसरे तरीके के कुछ लोग होते हैं जो अभाव में आते हैं, यानी पहले जो होते हैं जो आपके कारण प्रभाव में आते हैं, दूसरे वो लोग होती पब्लिक जो अभाव में आती है, और तीसरे बहुत से लोग 80% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता है, वो केवल अरे यार मैंने तो इसको महापौर जिताया था, इनको तो मैंने पार्षद जिताया था, इनको तो सांसद और विधायक जिताया था, चलो कोई बात नहीं, बेचारे अकेले ना हो इनके पास चले चले। तीसरे तरीके के जो लोग होते हैं वो लगाव में आते हैं। तो एक बात याद रखना, आप जनप्रतिनिधि हो, जनता हमारी भगवान है, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, जनता के काम करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमारे पास में कोई अभाव में आए, हमारे पास कोई प्रभाव में आए, हमारे पास कोई लगाव में आए, लेकिन हमेशा हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारा जो स्वभाव है वो हमेशा एक सा होना चाहिए। और हम फोन हम उठाते हैं, मैं अपने अपने नगर निगम को बताऊं, हमारे जिलाधिकारी जी हमारे वहां दूसरी बार जब मैं महापौर बना तो ये हमारे नगर आयुक्त थे, पहली बार मैं महापौर बना, और आपको अपना अनुभव बताता हूं, पब्लिक आपका प्रेजेंस चाहती है, पब्लिक चाहती कि उसकी जो बात है वो सुनी जाए। मैं बना तो रात को 2:30 बजे के आसपास जाड़े के दिन जनवरी के महीने में 2:30 बजे एक साहब का फोन आया, मैं मोबाइल लगा के बैठा था, फोन पर कहा कि मेयर साहब सो गए क्या? मैंने कहा गलती हो गई, मेरी नींद आ गई। बोले हाँ साहब अब तो आप महापौर बन गए, अब तो आप सोई जाओगे। मैंने कहा नहीं, आप मुझे आदेश करो, मैं 24 घंटे आपका काम करने के लिए तैयार। बोले तो झूठ मत बोलना, मैं आपको बता रहा हूं मेरे घर के बाहर कुत्ता मर गया। मैंने कहा मैं सुबह उठवा दूंगा। बोले सुबह तो 50 रुपए किसी को देकर उठवा लूंगा, आपको वोट दिया है, आप अगर अभी उठवाओ तो जानू। 2:30 बजे किसी तरीके से कोई अधिकारी जाग गया और रात को कुत्ता उठ गया। मैं हफ्ते में 6 दिन मिलता था पब्लिक से, और 6 दिन 500 आदमी 400 आदमी प्रतिदिन आता था, अधिकारी वही बैठते थे, अधिकारी बैठते उनकी सुनवाई करता। तब तक मैंने पीछे की कुर्सी पर देखा, एक साहब टीका लगाए और बड़ा अकड़ के बैठे हुए थे, 65-70 साल की उम्र होगी, लग रहा था कोई महाभारत का युद्ध जीत कर आए। मैं पास में गया, पास में जाकर मैंने बोला भाई साहब आपका काम हो गया? बोले हाँ हो गया। कैसे पहचाना? हमने कहा आपका चेहरा बता रहा था कि आप संतुष्ट हैं, कभी भी कोई काम हो मुझे लगा कि काम करा दिया है तो भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मेरे का कोई काम हो आप बताना। बोले देखो नेता वाली बात मत करना, आप महापौर हो गए हो ये याद रखना, मैं कार से कचहरी, वो वकील साहब थे, बोले कार से कचहरी जाता हूं और उलट कर जब आता हूं तो देखता हुआ आता हूं कहां कहां कौन कौन सा जानवर मरा हुआ है, मैं प्रतिदिन बताऊंगा, आप जब बताइए तो होगा। दूसरे दिन उनका फिर फोन आया, 2 मरे हैं, एक केसरबाग में एक लालबाग में। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर 2 मर गए। चौथे दिन मेरा कचहरी में वकीलों के वहां पर स्वागत समारोह था, मैं वहां पर पहुंचा, उस समय के जो एडवोकेट जनरल थे मेरे बगल में बैठे थे, सारे वकील बैठे थे, पीछे वो जो वकील साहब जिन्होंने मुझे कुत्ते मरने की खबर दी थी पीछे बैठे हुए थे, और पीछे से वो हाथ हिला रहे थे। तो मेरे बगल में जो जज एडवोकेट जनरल बैठे, बोले दिनेश भाई आप इतना पॉपुलर हो गए हो कि ये व्यक्ति किसी से बात नहीं करता और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे जीते रहो जीते रहो। मैंने कहा भाई साहब ये आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं आज 5 हैं 5। और सही में उसमें 5 निकले, कहा कि 2 कुत्ता तो केसरबाग बारादरी पे है और एक 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 जो है हजरतगंज में, और एक गधा जो मरा कपूरथला पे, और एक और बकरा उन्होंने बताया कहां पर मरा है। ये हंसने की बात हो सकती है, ये चिंतन की बात हो सकती है, लेकिन पब्लिक का जो व्यक्ति है वो अपने पार्षद के पास जाएगा क्योंकि उसने उसको वोट दिया था, पार्षद नहीं चुनेगा विधायक के पास जाएगा, विधायक काम नहीं करेगा तो अपने महापौर के पास में जाएगा, महापौर नहीं चुनेगा तो सरकार के पास जाएगा। जनता के प्रति जवाबदेही का भाव अंतर मन में हमेशा रहना चाहिए। ये आज जितने लोगों ने शपथ ली है मैं उनसे अनुरोध करके कहना चाहता हूं कि हमें अपने कर्तव्य बोध को हमेशा ध्यान में रखना है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि हमारा मुरादाबाद सहित जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो खुले में शौच से मुक्त हो, ODF हो, प्रदूषण मुक्त हो, पर्यावरण युक्त हो, हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जहां डेंजर जोन में पानी चला जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे गिर रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रयोजन यहां पर चालू हो, और हमारी ये व्यवस्था है
कि अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज की कनेक्टिविटी जो गलियों में जो पुरानी जगहों पर सड़क से मेन सड़क से नहीं पहुंचती उसको कनेक्टिविटी को प्रारंभ किया जाए। हमारी यह भी प्राथमिकता है कि कान्हा ओपन योजना के पैटर्न पर पशुओं के संरक्षण के लिए कांजी हाउस और उनके विशेष संरक्षण के जो नियोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है आपके शहर में भी उस प्रकार का नियोजन यहाँ पर प्रारंभ हो। हम चाहते हैं कि आपकी नई नई योजना हो, लेकिन एक चीज जो हमेशा हमारे सामने भी आती थी और हमारा अधिकारियों से भी सरकार से भी टकराव होता था, हमें अपने पैर पर खड़ा होना है। उस समय बात होती थी तो पैर पर खड़ा होने का मतलब ये नहीं होता था कि हम किसी पर आरोपित नहीं करते। पैर पर खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि हम नगर निगम की जमीन बेचते। पैर पर खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी प्रकार का कोई आवंटन, हम बूथों का दुकानों की आवंटन प्रारंभ करते। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि नगर निगम के आय का सृजन कैसे हो। क्या हम पीपीपी मॉडल पे कुछ चीज बना सकते हैं? क्या हम स्कूल को बना सकते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बना सकते हैं, सिनेमा हॉल को बना सकते हैं? क्या हम कोई होटल का निर्माण कर सकते हैं? क्या हम अपनी जमीनों का कोई विशेष प्रकार की कॉलोनी को डेवलप कर सकते हैं? हम तमाम चीजों को पीपीपी मॉडल पर निर्माण करके नगर निगम की अपनी आय और अपने पैरों पर खड़ा होना हमको सीखना होगा। और आज बदलते हुए समय में केंद्र सरकार की जो योजना है उनका समन्वय उत्तर प्रदेश की सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार का समन्वय हमारी स्थानीय सरकार से बेहतर होगा। और हम एक चीज और कहना चाहते हैं कि हमारे नगर निकायों के अधिकार सुरक्षित रहें, बढ़े, उनके कामों में हस्तक्षेप कम से कम हो। लेकिन हमारा भी यह दायित्व है कि हम अगर चुनकर आए हैं तो जो नियमावली है उसका हमको पालन करना है और नियमावली के साथ साथ जो काम होंगे वो गुणवत्ता परक कार्यों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। तो आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए हो, एक नई उमंग, एक नई तरंग लेकर हम सब आए। हर पार्षद चाहता है कि हम सब कुछ बदल डाले, हर व्यक्ति चाहता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर दे। एक चीज हमेशा याद रखना, आप पूरा सब मुक्त कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ये लंबा लक्ष्य है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने आप को अच्छा रखता है, अपने आप को शुद्ध रखता है, अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त रखता है, तो आप समझो आसपास का जो आडंबर है, वायुमंडल है, वो अपने आप में अच्छा होगा। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हमारी ऑनलाइन सर्विसेज प्रारंभ हो, हमारा गृह टैक्स घर में बैठा हुआ हो जाए, किसी प्रकार के बाबू का उसे हस्तक्षेप ना हो, हमारा अपने स्वतः से कर निर्धारण की प्रणाली हमारी प्रारंभ हो जाए, हमारे शिल्पी मशीन नामे बड़ी सड़कें मशीनों के द्वारा हो, शहर में हमारा चाहे सुबह और शाम दोनों की हमको सफाई कराना पड़े, सफाई हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। कूड़े के निस्तारण की प्रावधि को फिर से शुरू कर जाना चाहिए और इसमें निरंतरता का भाव, खुले मन से सोच और उसके आधार पर काम करने की प्रवृत्ति आपस में हो। अधिकारी और जो पार्षद और महापौर एक परिवार है और परिवार में क्या होता है, जो बाजार होता है ना, दो तरीके के व्यवस्थाएं होती है। एक व्यवस्था तो समाज में होती है बाजार की व्यवस्था, जहां सब कुछ बिकाऊ होता है, और दूसरी व्यवस्था होती है परिवार की व्यवस्था, जहां सब कुछ एक दूसरे के लिए होता है। तो ये नगर निगम परिवार जिसमें पार्षद है, महापौर है, अधिकारी है, कर्मचारी है, और कर्मचारियों में भी चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी दोनों कर्मचारी हैं, इनका मिलकर एक समागम हो और समागम के साथ साथ हम अच्छा काम कर सके, इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। और लक्ष्य रखा गया है ODF का कि हम दिसंबर माह के अंत या जनवरी के प्रथम पखवाड़े में हम ODF करने में सफल हो, खुले में शौच का जो हमारे निर्माण है वो हो जाए। और इसी प्रकार से हमारे और लक्ष्य जो रखे गए हैं, चाहे वो पेयजल आपूर्ति के संबंध में हो, चाहे किसी और चीज में हो, हमारा LED लाइट से पूरा आच्छादित शहर बन सके, एक सुरम्य शहर, एक बाघों का शहर बने, एक ये पीतल नगरी हमारी एक्सपोर्ट में अव्वल बने, हमारा यहाँ का निर्यात बढ़े, एक वातावरण आपसी भाईचारे का और सुदृढ़ बन सके, ये नगर निगम इसका उदाहरण रखे। मेरी शुभकामनाएं हैं, विनोद जी का अनुभव अच्छा है और ये दिल के साफ है, क्योंकि इनका मेरा बहुत ज्यादा साथ रहा है, दिल के साफ है, और इन्होंने मुझसे वादा किया है कि अब इनकी वाणी में भी आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको प्यार से लेकर, क्योंकि वीना जी जो हमारी पूर्व महापौर थी वो अपनी वाणी और अपने कृत्य कर्तव्यों के कारण लोकप्रिय थी और विनोद जी उनके कारण लोकप्रिय रहे,
अब पार्टी के कारण लोकप्रिय हैं और विरोधी कर्मठ व्यक्ति हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। तो मैं इनको कहूंगा कि आप सफलतम महापौर की श्रेणी में आप आए, मुरादाबाद का हमारे नाम रोशन हो। और यहाँ पक्ष और विपक्ष, मैं कहूंगा यहाँ के जो दूसरे पार्षदगण हैं, जो सपा के हैं, बासपा के हैं, कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, मिलकर एक परंपरा शुरू करिए। साल में एक मैच जरूर आपका हो खेल का, साल में मिलकर एक टूर आप जरूर करिए। कांग्रेस के लोग सपा के साथ बैठे, सपा के भाजपा के साथ में बैठे, नाश्ते के समय दिन में एक बार जरूर बैठिए। ये विचारों का आदान प्रदान है ना, आपसी कटुता को दूर करता है। एक दूसरे के विचारों को ज्वाइन करना ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी कड़ी होती है। और मिलकर काम करने की जो संस्कृत का आनंद होता है जनता में, वही सर्वग्राही बनके वही लोकप्रिय और वही मान्य होता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग एक साथ मिलकर काम करें और एक साथ आगे बढ़े। आपकी जो जो कमियां होंगी, जो जो खामियां होंगी, उनको नगर निगम में पूरा करने का दायित्व तो हमारे ऊपर है। चाहे वो कर्मचारियों की भर्ती का हो, चाहे आपको सुविधा दिलाने का हो, चाहे सफाई कर्मियों के बारे में और अधिक सुविधाएं देने का हो, जो जो चीज होगा मैं कहूंगा विनोद जी पहली सदन की बैठक करके केवल एक नियोजन ये करो कि हमको एक साल में कौन कौन से कार्य प्राथमिकता में करने हैं। नगर आयुक्त जी को मैं कहूंगा और मंडल आयुक्त जी को कहूंगा कि पूरे शहर का एक एक्शन प्लान जिलाधिकारी जी के साथ बैठाल कर तैयार कर लीजिए कि किस वार्ड में कौन से काम पहले होने हैं, कौन से बाद में। पूरे एक साल का एक्शन प्लान, और उस एक साल के एक्शन प्लान के आधार पर जब पैसे की उपलब्धता के आधार पर वो कार्यों को कराया जाए और उसमें पार्षदों की सहभागिता, उनकी राय ली जाए, उनकी राय के अनुसार उन कार्यों की प्राथमिकता की सूची तैयार कर लें और उन सूची के आधार पर आप काम कराएं। आप सफल हो, आप और अधिक आगे बढ़े, क्योंकि आज तीन जगहों पर मुझे जाना था। मैं अभी आगरा से होकर आया हूं, मुरादाबाद आया हूं, लखनऊ की महापौर जी ने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक शपथ नहीं लेंगे। इसलिए आपका कार्यक्रम चलता रहेगा, विनोद जी लंबा भाषण आपको भी सुनाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका कार्यक्रम हो। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देते हुए कि आपके बीच में आया, अच्छा लगा। मुरादाबाद मेरा बड़ा प्रिय शहर है, लोग अच्छे हैं, लोग मिलनसार हैं, और मैं कहूंगा कि पूरा पश्चिम का एक उद्धार बने, आपके कार्यों के एक आदर्श बने। बहुत बहुत धन्यवाद। कई पार्षदों ने तो हिंदी में शपथ ग्रहण की, जबकि एक पार्षद ऐसी भी थी जिन्होंने संस्कृत में शपथ ग्रहण की। जैसे ही दिनेश शर्मा कार्यक्रम समाप्त कर बाहर निकले तो कहा कि अब शहर में स्वच्छता का माहौल होगा, पर्यावरण शुद्धि की तरफ बढ़ेगा, प्रदूषण से मुक्त होगा मुरादाबाद। आज मुरादाबाद आ रहा हूँ, पहले जाना चाहेंगे क्या कहेंगे मुरादाबाद? देखिए मुरादाबाद का शपथ ग्रहण समारोह था और मुरादाबाद पीतल नगरी आदर्श नगरी बने, यहाँ पर ODF हो, स्वच्छता चले, पर्यावरण मजबूत हो, प्रदूषण मुक्त हो, हम सब मिल के काम करने की संस्कृति जागृत हो, यही आज मुरादाबाद की। इसके विपरीत जब उनसे पूछा गया कि कल जो IFTM में घटना हुई है हिंदू महासंघ पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक सवाल और, अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा भाजपा का नाम लेकर अभी एक दिन पहले IFTM यूनिवर्सिटी में फायरिंग की गई, उसके बाद में जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करूंगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा का नाम लेकर वो बदनाम करे, क्या करेंगे? फोन किसके नीचे करो सर? जी सर, भाजपा किसी के द्वारा कानून को हाथ में लेना पसंद नहीं करता। मुख्यमंत्री के नाम पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।